आजकल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन को और खासकर फोटोग्राफी के लिए, पर जब आती है प्रोफेशनल एडिटिंग की बात तो हमारे पास ऑप्शन होता है पीसी का यानी फोटोशॉप वगैरह। पर अगर बात करें आपके मोबाइल की एडिटिंग की तो यहाँ पर आपकी कुछ ही कंसीडर करने लायक ऐप्स देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है आपके पिक्सआर्ट, आपकी कई साल पुरानी एप्लीकेशन है और सालों से इसके ट्यूटोरियल भी देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब पर। और बाकी 99% चांस है आपने भी इसका नाम सुना होगा, क्योंकि बात करें 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है, 4.5 की रेटिंग है। और बात करें अब आपकी पूरी तरीके से कम्युनिटी बन चुकी है, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और यहाँ पर अपना काम शेयर कर सकते हैं, लाइक्स वगैरह सब आते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आपकी झूठी तारीफ करने वाली बात नहीं है, पर यहाँ पर आप जितने भी फीचर्स सोच सकते हो वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। अगर यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, इंस्टा के लिए फोटो बनानी है या फिर जितने भी आपको प्रोफेशनल एडिटिंग करनी है, सारी इसमें ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और बाकी जिन लोगों को पिक्सआर्ट यूज करना आता है उनको पता है पिक्सआर्ट एक तरीके से आपका मोबाइल की फोटोशॉप ही है। बाकी अगर बात करें आप प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हो, गोल्ड वर्जन यानी, या फिर अगर जानना चाहते हो ज्यादा इसके बारे में, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। बाकी आप सामने इमेजेस देख पा रहे हैं, आपको जो प्रोफेशनल देखने को मिलती है ज्यादातर म्यूजिक कवर के अंदर या फिर हम कहें पोस्टर्स वगैरह में, तो इस तरीके आपको थोड़ा ट्यूटोरियल देने वाला हूं। वैसे तो मेरी प्लानिंग आपकी 10-15 वीडियोस बनाने की यानी कंप्लीट सीरीज बनाने की, पर आज आपका इस वीडियो के अंदर आपका लगा रहा हूं बिल्कुल छोटा सा ट्यूटोरियल नहीं कहना चाहूंगा, आपको छोटी सी ट्रिक देखने को मिल जाती है। बाकी आपकी उम्मीद है ये एडिटिंग आइडिया आपको पसंद आएगा और उसके लिए कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ ही सकते हो। तो उम्मीद आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट यहाँ पर एक बार छोटी सी, लाइक जरूर कर देने आज से बिना भूले, आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, बस वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। उसके लिए आपका लिंक नीचे दे दिया, चेक भी कर सकते हो जाकर। अगर आपको कोई अच्छी ट्रिक पता हो या फिर कोई आइडिया तो नीचे जरूर कमेंट करना। इसलिए बाकी चैनल पर जाकर देखो, मिलता हूँ।